Hello, students. I am Dr. Amit Bhatnagar working as senior search officer in the Department of Agronomy at GB Panth University of Agriculture and Technology, Pantnagar, Uttarakhand. In this lecture, I will explain about quality protein maize. What is this? What is the quality protein? And what are the advantages? What is the seed rate of this QPM? And what are the important varieties of this quality protein maize? So, generally, Questions are asked in competitions about quality protein MAGE. So, this is a MAGE which protein is of superior quality, and this Q stands for quality, P for protein, and M for MAGE. So, this is QPM, and the quality of protein is superior to normal MAGE, and the quality of protein is superior in terms of two amino acids lysine and tryptophan in qpm these two amino acid quantity is high almost double as compared to normal maize in general in cereal grains like rice wheat maize these two amino acids are deficient

This mage is major food crop, particularly in African countries. If people consume this mage, normal mage, then they suffer from the deficiency of lysine and tryptophan. In normal mage, the quantity of lysine, quantity of lysine is about 2 to 2.5%, and tryptophan content is about 0 0.3 to 0.4%. But this quality protein mage is developed by breeding, and this QPM contains this lysine about 3.5 to 4 percent and tryptophan about 0 0.7 to 0.8 percent. So, the quantity of lysine and tryptophan is almost double as compared to normal mage. and these two amino acids are essential amino acids. In general, there are eight essential amino acids: lysine, tryptophan, leucine, isoleucine, valine, phenylalanine, threonine, methionine. ye आठ हैं, uske alawa ek ninth hai jo बच्चों ke liye chahiye histidine. तो in general, adults क्या हम eight essential amino acids को consider करते हैं और बच्चों को अगर consider करें तो nine essential amino acids हैं. इसका मतलब क्या है ये इसेंशियल अमीनो एसिड्स आर नॉट सिंथिसाइज इन आवर बॉडी सो दैट्स वाई देअ सप्लाई इज टोटली डिपेंडेंट ऑन फूड तो ये अमीनो एसिड्स हमारी बॉडी में सिंथिसाइज नहीं हो पाते हैं ये आठ अमीनो एसिड्स तो इसके लिए हमको फूड से लेना पड़ता है अब एमिनो एसिड्स की इंपॉर्टेंस आप जानते हैं व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ एमिनो एसिड्स एमिनो एसिड्स आर रिक्वायर्ड फॉर प्रोटीन सिंथेसिस इन जनरल 20 अमीनो एसिड्स आर रिक्वायर्ड अगर चिल्ड्रन कंसिडर करें तो एसिड्स हो जाएंगे तो इन जनरल 20 अमीनो एसिड्स आर रिक्वायर्ड फॉर प्रोटीन सिंथेसिस सो ऑल 20 शुड बी प्रेजेंट फॉर प्रोटीन फॉर्मेशन अगर 20 में कोई कम होता है तो प्रोटीन का फॉर्मेशन प्रॉपरली नहीं होगा और इन ट्वेंटी में से भी आठ जो इसेंशियल एम्यून एसिड्स हैं एट इसेंशियल एम्यून एसिड्स आर सप्लाइड बाई फूड तो ये देखिए आठ इसेंशियल एम्यून एसिड्स का फूड में से हम जो लेते हैं इसका प्रॉपर अमाउंट बैलेंस होना बहुत जरूरी है अब ये नॉर्मल मेज में क्या है कि लाइसना टिप्टोफेन आर लेस दैट्स वाई प्रोटीन सिंथिस वेरी लेस एंड बायोलॉजिकल वैल्यू इज पुअर सो इफ वी टॉक अबाउट बायोलॉजिकल वैल्यू बायोलॉजिकल वैल्यू ऑफ प्रोटीन इज हाउ मच क्वांटिटी इज रिटेन इन बॉडी इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ बायोलॉजिकल वैल्यू बायोलॉजिकल वैल्यू सॉरी बायोलॉजिकल वैल्यू तो हम जो प्रोटीन लेते हैं उसमें से फीकस से यूरिन के थ्रू निकल जाती है बॉडी में कम रिटेन रह पाती है तो जितने परसेंट रिटेन रह पाती है दैट इज़ टर्म्ड एज बायोलॉजिकल वैल्यू सो इन केस ऑफ नॉर्मल मेज बायोलॉजिकल वैल्यू इज़ अबाउट फोर्टी परसेंट वाइल्ड क्यूपीएम बायोलॉजिकल वैल्यू इज अबाउट एट्टी परसेंट एट्टी एट्टी फाइव परसेंट सो दिस इज ऑलमोस्ट डबल तो बायोलॉजिकल वैल्यू इज़ डबल इसका मतलब कि हम नॉर्मल मेज लें उसको हम प्रोटीन ले रहे हैं और एक क्यूपियम अगर हम ले रहे हैं उसके थ्रू प्रोटीन आ रही है तो क्यूपियम के थ्रू प्रोटीन का रिटेंशन हमारी बॉडी में क्या होगा ज़्यादा होगा और ये लाइसिन टिप्टोफेन की क्वांटिटी भी क्या मिलेगी ज्यादा मिलेगी तो प्रोटीन सिंथेसिस अच्छा होगा बॉडी का जो डेवलपमेंट है वो बहुत अच्छा होगा और नॉर्मल मेज में ये प्रॉब्लम है कि ये कम है अनदर प्रॉब्लम इन नॉर्मल मेज इज दैट इन नॉर्मल मेज अनदर इसेंशियल एसिड्स दैट इज ल्यूसिन ल्यूसिन कंटेंट इज हाई और ये जो ल्यूसिन होता है इस ल्यूसिन का कंटेंट ज्यादा होने की वजह से ये एक्सेस होता है दिस एक्सेस ल्यूसिन एंड इट सप्रेसिज द यूटिलाइजेशन ऑफ आइसोल्यूसिन यूटिलाइजेशन ऑफ डिप्रेस दूट डिक्रेसिज द यूटिलाइजेशन ऑफ आइसोल्यूसिन सो नाउ द फोर अमीनो एसिड्स लाइसिन टिप्टोफेन आर लेस एंड एक्सेज ऑफ ल्यूसिन इन नॉर्मल इमेज एंड इट डिप्रेजेज द यूटिलाइजेशन ऑफ आइसोलेशन इट मीन दर इज ए इम्बैलेंस ऑफ फोर इसेंशियल एम्यून एसिड्स आउट ऑफ एट तो जो चार एसेंशियल एम्यून एसिड्स का बैलेंस इम प्रॉपर हो गया उससे प्रोटीन क्वालिटी क्या हो जाती है पुअर हो जाती है अब दिस आइसोल्यूसिन अब देखिए यूटिलाइजन नहीं हो पा रहा है आइसोल्यूशन का तो जो नियासिन का जो फॉर्मेशन होता है वो लेस होता है देन इन सच केस tryptophan is less poor utilization of isoleucine then there is poor synthesis of niacin this tryptophan is responsible for the niacin synthesis so niacin that is b3 b3 vitamin b3 synthesis is reduced so this is the result that there is excess of leucine and it reduce the utilization of isoleucine and this इम्बेलेंस कॉज दी पुअर रिलीज ऑफ ट्रिप्टोफेन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर नियासिन बायोसिंथेसिस देखिए इम्बैलेंस होने से क्या हुआ ट्रिप्टोफेन कम एवेलेबल हो पाता है नियासिन के सिंथेसिस के लिए विटामिन बी थ्री के लिए एंड दिस विटामिन बी थ्री डिफिशियंसी कॉज पैलाग्रा पैलाग्रा डिसीज पैलाग्रा डरमाटाइटिस प्रॉब्लम होती है स्किन प्रॉब्लम डायरिया देन मेंटल जो ब्रेन की एक्टिविटी वह पुअर हो जाती है डिमेंशिया हो जाता है दैट इजाग्रा सो दिस इज द रीजन दैट वेन ह्यूमन यूटिलाईज और कंज्यूम मोर मेज नॉर्मल मेज को ज्यादा खाते हैं डाइट में लेते हैं तो देर इज अ चांस ऑफ पैलाग्रा डिसीज तो दिस क्वेश्चन इज आज इन एग्जामिनेशन की विच डिसीज अकर ड्यू टू मोर यूटिलाइजेशन और मोर यूज ऑफ नॉर्मल मेज तो आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों ऐसा हो रहा है लाइसिन टिप्टोफेन ऑलरेडी कम है ल्यूसिन बहुत ज़्यादा हो रहा है उससे आइसोलेशन का यूटिलाइजेशन नहीं हो पाता टिप्टोफेन इन सब का रिजल्ट क्या होता है टिप्टोफेन की अवेलेबिलिटी कम होती है नियासिन बायोसिंथेसिस के लिए तो पेलाग्रा डिसीज होती है तो दिस इज द रीजन दैट नॉर्मल मेज कॉज पेलाग्रा डिसीज अब इसको प्रॉब्लम को दूर करने के लिए ब्रीडर्स uh, ने डेवलप की वैरायटी क्वालिटी प्रोटीन मेज और ये कैसे डेवलप हुआ दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग कि क्वालिटी प्रोटीन प्रोटीनज कैसे डेवलप हुआ तो इसके लिए एक जीन था ओपेक टू जीन ओपेक दिस वाज देयर वाज ए म्यूटेशन एंड ड्यू टू म्यूटेशन देयर वाज अ फॉर्मेशन ऑफ ओपेक टू जीन ओपेक टू जीन एंड दिस जीन वाज ड्यू टू म्यूटेशन एंड दिस जीन रिजल्टेड मोर एंड टिप्टोफेन एक्चुअली दिस जीन कॉज द रिडक्शन इन जीन प्रोटीन रिडक्शन इन जीन प्रोटीन एंड जीन कंटेंट वॉज थर्टी परसेंट अदरवाइज इन नॉर्मल मेज नॉर्मल मेज जीन जो मेज प्रोटीन है नॉर्मल मेज में जो मेज प्रोटीन है दैट इज सेवेंटी परसेंट जीन दूसरी है एल्यूमिन है ग्लोबलिन है दूसरी है बहुत कम परसेंटेज में है मैक्सिमम अमाउंट इज ऑफ दिस सेवेंटी परसेंट जीन एंड बिकॉज ऑफ दिस ओपेक्टी टू जीन म्यूटेशन जो जीन का जो कंटेंट था वो रिड्यूस होकर कितना हो गया थर्टी परसेंट हो गया हाफ से भी कम हो गया एज द रिजल्ट द लाइसिन कंटेंट वॉज इंक्रीज एंड ट्रिप्टोफेन कंटेंट वॉज इंक्रीज तो अब इस जीन के कारण से ट्रिप्टोफेन uh, और लाइसिन का कंटेंट बढ़ा और ल्यूसिन का कंटेंट जो है कम हुआ ल्यूसिन कंटेंट डिक्रीज एंड लाइसिन एंड ट्रिप्टोफेन कंटेंट इंक्रीज अब जब ट्रिप्टोफेन इंक्रीज बढ़ा तो ल्यूसिन आइसोल्यूसिन का जो रेशियो था वो बैलेंस हो गया उस बैलेंस के की वजह से ट्रिप्टोफेन की एबिलिटी भी बढ़ी कई रिजल्ट्स हुए और उससे फिर नियासिन सिंथेसिस ज़्यादा हुआ नियासिन नियास नियास विटामिन नियास 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 बी थ्री ज्यादा बना तो उससे पैलेग्रा डिसीज नहीं हुई और प्रोटीन की बायोलॉजिकल वैल्यू भी बढ़ गई बिकॉज फोर इसेंशियल एमिनो एसिड्स वर इन बैलेंस्ड रेशियो तो ये ओपेक टू जीन वाज बहुत रिस्पॉन्सिबिल था इसके लिए दूसरा जीन भी था फ्लोरी टू जीन बट सक्सेस नहीं हुई फ्लोरी टू जीन में मैक्सिम जो सक्सेस आई वो ओपेक टू जीन में थी एंड इन नाइनटीन सेवेंटीज नाइनटीन सेवेंटीज बाई यूजिंग दिस ओपेक टू जीन थ्री कंपोजिट्स वर रिलीज थ्री कंपोजिट्स वर रिलीज नेमली प्रोटीना 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 प्रोटीन कंटेंट ज्यादा था शक्ति एंड रतन एंड रतन एंड लाइसिन कंटेंट वाज़ अबाउट थ्री पॉइंट फाइव टू फोर परसेंट एंड ट्रिप्टोफेन जीरो पॉइंट सेवन परसेंट तो ये तीन कंपोजिट उस समय रिलीज किए गए प्रोटीना शक्ति एंड रतन एंड नोन एज क्यूपीएम कंपोजिट एंड दिस वर्क वाज डन इन नाइनटीन सेवेंटीज लेकिन इनका देखिए कंपोजिट से तो इनका एज लेवल कम था तो इसके लिए फिर उसके बाद में हाइब्रिड्स पे काम शुरू हुआ हाइब्रिड डेवलप करने के लिए और जो हाइब्रिड्स डेवलप हुए क्यूपीएम के वो नाइन्टीज में हुए एंड टू साइंटिस्ट वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ क्यूपियम हाइब्रिड्स तो जो क्यूपियम हाइब्रिड्स वॉट डेवलप्ड बाई डॉक्टर सुरेंद्र वासल ही इंडियन सुरेंद्र वासल एंड डॉक्टर ई विलीगॉज ये मैक्सिको के थे अमेरिकन विलिगॉज दे डेवलप द क्यूपियम हाइब्रिड्स इन लेट नाइंटीज एंड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ क्यूपियम हाइब्रिड्स दे गॉट विद वर्ल्ड फूड प्राइज वेरी प्रेस्टिजियस अवार्ड वर्ल्ड फूड प्राइज इन टू थाउजेंड्स सो आफ्टर वर्ड टू थाउजेंड हाइब्रिड्स वर डेवलप्ड एंड द मेजर हाइब्रिड्स वर इनिशियली जो थे वो शक्तिमान शक्ति क्या नाम से आते थे शक्तिमान वन शक्तिमान टू शक्तिमान थ्री शक्तिमान फोर और जो उसके बाद जो हाइब्रिड्स डेवलप हुए नेम्ड एज एच क्यूपीएम वन बहुत पॉपुलर हाइब्रिड है एच क्यूपीएम वन एच क्यूपीएम फाइव एच क्यूपीएम सेवन विवेक क्यूपीएम नाइन ये पूछे जाते हैं जनरली हाइब्रिड्स के नाम जो है क्यूपीएम के व्हाट आर द हाइब्रिड्स एंड शक्तिमान वन इज रिलेटेड टू विच टाइप ऑफ कॉर्न दैट इज क्वालिटी प्रोटीन मेड तो इन जनरल क्वेश्चन इज आज नॉर्मल मेज इज डिफिशियंट इन देन आंसर इज लाइसिन एंड टिप्टोफेन क्वालिटी प्रोटीन इज रिच इन लाइसिन एंड टिप्टोफेन अगर लाइसिन और टिप्टोफेन दोनों में पूछा जाए तो इसमें मोस्ट लिमिटिंग जो है दैट इज लाइसिन अगर हम उसकी बात करें इसमें भी दो की बात करें तो मोस्ट लिमिटिंग इज लाइसिन वैसे दोनों ही है लाइसिन और टिप्टोफेन भी है अगर उसमें भी पूछा जाता है दोनों में तो देन मोस्ट लिमिटिंग इज लाइसिन तो ये दिस इज़ द हिस्ट्री और द डेवलपमेंट ऑफ क्यूपीएम तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज़ क्यूपीएम क्यूपीएम इज रिच इन लाइसिन एंड टिप्टोफेन एंड कंटेंट इज ऑलमोस्ट डबल जैसे मैंने बताया थ्री पॉइंट फाइव टू फोर परसेंट लाइसिन होगा एंड टिप्टोफेन इज़ जीरो पॉइंट सेवन टू जीरो पॉइंट एट परसेंट सो ये है क्वालिटी प्रोटीन में अब ये जो देखिए जो बायोलॉजिकल वैल्यू बहुत ज़्यादा है इसकी ऑलमोस्ट डबल है एंड दिस प्रोटीन रिक्वायरमेंट इज मोर फॉर चिल्ड्रन फॉर ओल्ड पर्सन फॉर लैक्टेटिंग वूमेन फॉर प्रेगनेंट वूमेन तो इन लोगों के लिए प्रोटीन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है छोटे बच्चों को हैं प्रेगनेंट लेडी हैं बूढ़े लोग हैं तो उनको अगर क्यूपीएम दिया जाता है मेज अगर हम खिलाएं दिस इज़ ये जो सीड साइज है या शेप है ये सेम सेम बिल्कुल नॉर्मल मेज़ की तरह होता है अगर क्यूपीएम यूज़ करें हम अपनी डाइट में पर्टिकुलरली चिल्ड्रन को दें ओल्ड पर्सन को दें तो उसमें प्रोटीन की जो रिक्वायरमेंट वो हो फुलफिल होगी तो देखिए इसमें आधी ही जरूरत पड़ेगी नॉर्मल मक्के की बजाय क्योंकि नॉर्मल मक्के की बायोलॉजिकल वैल्यू 40 परसेंट है इसकी अबाउट 80 परसेंट है तो दिस क्यूपीएम इज हाईली बेनिफिशियल फॉर चिल्ड्रन एंड लैक्टेटिंग वुमेन जिनको प्रोटीन की बहुत ज्यादा जरूरत है तो इस पर रिसर्च की गई क्वालिटी प्रोटीन मेज की तो ये देखा गया है बच्चों का बॉडी बढ़, वेट बढ़ता है आर्म सर्कम्फरेंस बढ़ती है देन दिस क्यूपीएम वॉज फेड टू पोल्ट्री पोल्ट्री में दिया गया तो पोल्ट्री का जो एग क्वालिटी एग य क्वालिटी वॉज इंक्रीज और उनके जो बॉडी uh, वेट था वो इंक्रीज हुआ पिगरी में इट वाज यूज्ड इन पिगरी तो पिग का बॉडी वेट बहुत तेजी से बढ़ा तो ये इसके एडवांटेज हैं क्वालिटी प्रोटीन मेज की ह्यूमन डाइट में पोल्ट्री में पिगरी में तो ये हाइब्रिड्स uh, बहुत इंपॉर्टेंट हैं फ्रॉम बिकॉज दे आर न्यूट्रिशनली सुपीरियर तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये क्वालिटी प्रोटीन मेज क्या है एंड इट्स लुक टेस्ट ऑलमोस्ट सेम एज़ नॉर्मल मेज एंड कल्टिवेशन प्रैक्टिस आर ऑलमोस्ट सेम एज नॉर्मल मीज सो टेस्ट में हम देखें लुक में देखें तो कोई डिफरेंस नहीं होता है नॉर्मल हाइब्रिड में और एक क्यूपीएम हाइब्रिड में बट न्यूट्रिशनली इट्स वैल्यू इज डबल तो अगर सीड रेट देखें सीड रेट ऑफ क्यू पी इज़ जनरली आज इट इज़ हाइब्रिड सीड रेट इक्वल टू दैट इज़ अबाउट ट्वेंटी टू ट्वेंटी फाइव पर हेक्टर एंड पॉपुलेशन इज अबाउट सिक्सटी सिक्स थाउजेंड सिक्सटी सिक्स हंड्रेड सिक्सटी सिक्स थाउजेंड एंड रिस्पॉन्स इससे ज़्यादा भी मिल सकता है सेवेंटी फोर थाउजेंड सेवेंटी फाइव थाउजेंड तक तो ये तो इसकी मिनिमम पॉपुलेशन एंड सी डनल यूज ट्वेंटी टू ट्वेंटी फाइव के जी पर हेक्टर एंड प्रोडक्टिविटी इज वेरी हाई अबाउट सिक्स टन पर हेक्टर सिक्स थाउजेंड के जी पर हेक्टर मीन्स सिक्सटी क्विंटल पर तो प्रोडक्टिविटी लेवल बहुत हाई है सीड रेट ऑलमोस्ट हाईब्रिड के बराबर है प्लांट पॉपुलेशन भी ऑलमोस्ट वही है दैट इज इसको हम ग्रो करते हैं 60 सेंटीमीटर बाई 25 सेंटीमीटर और अगर रो टू रो इफ 75 सेंटीमीटर देन इट इज़ 20 सेंटीमीटर एंड रिस्पांस में भी ऑप्टेंट एट हायर प्लांट पॉपुलेशन अगर इनपुट मैनेजमेंट अच्छा है तो सेवेंटी फोर तक Uh, इसकी प्लांट पॉपुलेशन मेंटेन कर सकते हैं बट जनरली uh, हम कितना रखते हैं सिक्सटी सिक्स थाउजेंड रखते हैं अगर मैनेजमेंट अच्छा है तो हम एट्टी थ्री थाउजेंड तक भी जा सकते हैं मतलब कि सिक्सटी बाई ट्वेंटी सेंटीमीटर इसको हम कर सकते हैं सो दीज आर सम एडवांटेजेस ऑफ क्यू पी एम तो आपको समझ में आ गया होगा कि वट इज़ क्यू पी एम क्वालिटी प्रोटीन मेज इसका कल्टिवेशन प्रैक्टिस सब कुछ वही है वही फर्टिलाइजर रिक्वायरमेंट जो हाइब्रिड की होती है वही हर्बिसाइड यूज़ होते हैं वही फील्ड प्रिपरेशन करना है अब लेकिन देखिए इसमें एडवांटेज क्या हो रहा है प्रोटीन क्वांटिटी इज जस्ट डबल कंटेंट तो देखिए इलेवन परसेंट ही रहेगा इन क्यूपीएम क्यूपीएम प्रोटीन कंटेंट इज इलेवन परसेंट एंड नॉर्मल मेज नॉर्मल मेज इट इज इलेवन परसेंट देर इज नो डिफरेंस इन प्रोटीन इस बात को ध्यान रखें प्रोटीन कंटेंट इज सेम बट एमिनो एसिड प्रोफाइल आर डिफरेंट इन नॉर्मल मेज लाइसिन एंड टेप्टोफेन आर वेरी लेस ल्यूसिन इज वेरी हाई वाइल इन क्यूपीएम

अमीन I एसिड्स mean, की क्वांटिटी कितनी है नंबर एक ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें ज्यादा है कितनी हमारी बॉडी में रिटेन होती है वो भी क्यूपीएम में ज़्यादा है दैट्स वाई क्यूपीएम इज़ न्यूट्रिशनली सुपीरियर टू नॉर्मल मेज तो ये आपको समझ में आया होगा कि ये जो पूरा जो न्यूट्रिशनली सुपेरिटी है दैट इज डिफरेंस इन लाइसिन एंड टिप्टोफ कंटेंट तो ये मैंने आप, आपको बताया कि वॉट इज क्यू तो ये लेक्चर अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें प्लेलिस्ट में आप एग्रीकल्चर रिलेटेड बहुत सारे लेक्चर्स को देख सकते हैं थैंक यू वेरी मच